सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्राइव एक्सपो। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्रेटा का SX एग्जीक्यूटिव वेरिएंट। डीजल में है या पेट्रोल में, ये मैं आपको अभी चेक करा रहा हूँ। सो ये है SX पेट्रोल। मैनुअल ट्रांसमिशन अंदर देख लो, न्यू सिस्टम नहीं आ रहा, जो भी अंदर जाके और दिखाऊंगा। क्रोम डोर हैंडल्स भी नहीं आ रहे, बाकी जो जो चीज़ें कम हुई हैं वो भी बताऊंगा, जो जो कंटिन्यू हो रहा है वो भी बता रहा हूँ। तो फ्रंट से आप देख सकते हो ट्राई अभी हेड लैम्प अभी भी आ रहे हैं, DRLs इनमें अभी भी हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल रहे हैं विद इंडिकेटर। ये इसकी सेंटर ग्रिल हो गई क्रोम फिनिश में। ये इसकी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है, यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी सिल्वर स्किड प्लेट। फ्रंट से तो गाड़ी बिल्कुल देखने में सेम है, बाकी साइड प्रोफाइल में चेंज देखें तो खाली क्रोम डोर हैंडल्स का है। ये देखो बॉडी कलर आपको RPMs मिलते हैं जैसे पहले मिल रहे थे विद इंडिकेटर। अलॉय का कन्फ्यूजन था कि शायद 16 इंच के आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ है। 215/60R17 के अलॉयज अभी भी दे रही है कंपनी। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक्स हैं और जैसे पहले रेयर में डिस्क ब्रेक्स मिल रही थी अभी भी हैं। क्रोम डोर हैंडल्स का फर्क है, कोई बात नहीं, और तो कोई चेंज है नहीं। बाकी कईयों का डाउट आ रहा होगा कि सनरूफ है भाई या नहीं है, अरे टेंशन ना लो, बिल्कुल दे रही है कंपनी। ये देखो ये तो रूफ रेल्स आ गए मुझे, शार्प एन एंटीना अभी भी दे रही है कंपनी। रेयर वाइपर एंटी फोकर अभी भी मिल रहा है। ब्रेक लैंप ह्युंडई का लोगो, क्रेटा की बैजिंग बिल्कुल सेम है। रिवर्स पार्किंग कैमरा अभी भी आ रहा है। दो नंबर प्लेट की लाइटें हो गई, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, सिल्वर स्किड प्लेट अभी भी है। चार पार्किंग सेंसर्स अभी भी मिल रहे हैं आपको रेयर बम्पर पे। SX की बैजिंग है, एग्जीक्यूटिव की बैजिंग कुछ नहीं थी कंपनी ने। अगर इस साइड से भी आपको दिखा दूँ तो कीलेस एंट्री आपको अभी भी मिल रही है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब मैं आपको बता दूँ जो इसमें अभी अपडेट हुए थे मई में, कि डैशबोर्ड सॉफ्ट पेंट फिनिश मिलेगी वो अभी भी मिल रही है, बरकरार है वो चीज़। बस ई वाला ये डब्बा दे दिया, कोई बात नहीं झेल लेंगे हम, क्योंकि 25,000 के आसपास आप ले लो शोरूम से तो म्यू सिस्टम लग जाएगा। जो प्राइस की बात है वो भी मैं अभी कर लेता हूँ आपसे। बाकी म्यू सिस्टम नहीं दे रही कंपनी, सॉफ्ट पेंट फिनिश अभी भी दे रही है। ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स अभी मिल रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। वायरलेस चार्जिंग भी मिल रही है अभी, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट अभी भी मिल रहा है, USB पोर्ट भी मिल रहा है, एंड USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है। और आपके रही बात इसकी गियर नॉब की, गियर नॉब अभी भी बिल्कुल सेम है। जो एक फीचर और हटा वो यहाँ एक व्यू का बटन आता था यहीं कहीं, वो आप कंपनी ने हटा दिया। वही आपका रियर व्यू मॉनिटर था, वो कंपनी ने हटा दिया। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन अभी भी मिल रहा है आपको यहाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन अभी भी है, लाइट लेवलिंग का ऑप्शन अभी भी है। अभी ये मैं सोचना कि फोल्डेबल हो, ORVMs हटा देंगे, नहीं हटाए ORVMs जिसके आपके इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल भी हैं, फोल्डेबल भी हैं, कार लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स अभी भी हैं, चारों पावर विंडोज अभी भी हैं, और आपके पावर विंडोज चाइल्ड लॉक ये अभी भी है। ड्राइविंग सीट पहले भी मैनुअल एडजस्टमेंट थी, अभी भी मैनुअल है। सनरूफ अभी भी है, ये देखो इसको खोल के भी दिखाते हैं। ये देखो ठीक है, अब इसको हमें बंद करना है यहीं से। वो पीछे पीछे आ गया सा कर्टन। अब अंदर आपको LED जो AC ऑन है, अंदर जो इसके लैंप्स थे LED वो आपको अभी भी मिल रहे हैं सनरूफ। और ये डोर पे होगा, मेरा जैसे ड्राइवर साइड डोर खुला है तो ये अभी भी आपको यहाँ पे ऐसे ऑन रहेंगे, वरना आप इन्हें ऑफ भी कर सकते हो। शोरूम के लिए ऑफ ही रहने चाहिए क्योंकि कोई भी गेट खुला छोड़ जाते हैं कस्टमर। कोल्ड ग्लोव बॉक्स आपको अभी भी मिलेगा। एम्बियंट लाइटिंग अभी भी आपको मिल रही है, और बाकी मौसम बारिश वाला हो गया तो थोड़ा एकदम से और अच्छे से दिखेंगी। ये देखो अंदर एम्बियंट लाइटिंग अभी भी है, बस डैशबोर्ड पे जैसे पहले मिल रही है अभी भी वैसी, और दो एयरबैग अभी भी मिलेंगे ठीक है। और अगर अब जैसे इसमें म्यू सिस्टम नहीं मिल रहा तो शोरूम की तरफ, अब कंपनी की तरफ से इसमें आएगा ह्युंडई की तरफ से, या तो ब्लॉक माउंट का या आपका केनवुड का, एक अराउंड 24-25 हज़ार का हेड यूनिट आएगा जो आपको एग्जीक्यूटिव के साथ लगवाना ही पड़ेगा शोरूम से, ऐसा मैंने अभी सुना है, बात करी अंदर। और रही बात स्पीकर्स की, वो इसके अंदर कंपनी अभी भी दे रही है। अंदर स्पीकर्स हैं, मैं कैसे देखूं, देखो इसमें दिख मेरे को हल्की हल्की चमक तो दिख रही है अंदर ग्रिल की, बाकी कैमरे में नहीं आएगी। अंदर आपको चारों स्पीकर्स इसमें मिल रहे हैं अभी भी, खाली एक हेड यूनिट हटाया कंपनी ने बस, और कुछ नहीं हटाया है। मेरी सांस फूल गई, बारिश में हो रही थी, बार में भगा भगा आया। और अब कंपनी ने एक 16 इंच के अलॉय व्हील्स और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। जैसे कोई बंदा ई से लेकर एस तक कोई लेता है तो उसमें 16 इंच के टायर आते हैं, अगर उसमें कोई अलॉय लगवाने हैं किसी को 16 इंच के, तो कंपनी ने क्रेटा के लिए नए इंट्रोड्यूस करे हैं, उसकी इमेज आपको उसके बाद शो हो जाएगी। तो ये वो अलॉय है जो आपके क्रेटा में ई, EX और S वेरिएंट तक 16 इंच में लग जाएगा,
मेरे को तो काफी पसंद आया, खर्चा भी बच गया। ये आपके डायमंड कट हो गए 17 इंचेस के, ये वेन्यू का लॉय हो गया, नीचे ये शायद I20 का है। बाकी यही अलॉय था, मुझे तो काफ़ी अच्छा चीज़ अच्छी चीज़ लगी है, क्योंकि 30-40 हज़ार का टायरों का खर्चा बच जाएगा कस्टमर्स का। बाकी यही था, 24-25 हज़ार का आप एक हेड यूनिट लगवा लो बस। और जो प्राइस डिफरेंस है, इस वक्त प्राइस की बात कर लेते हैं, तो ये थोड़ी अभी गीली हो गई, सॉरी उसके लिए। बाकी प्राइस की बात करते हैं, तो इन्होंने ये लिखा है SX एग्जीक्यूटिव, ऊपर SX लिखा है, नंबर देख लेता हूँ मैं, एक मिनट। SX है चौथे नंबर पर, SX एग्जीक्यूटिव है पाँचवें नंबर पर। तो SX आपका एक शोरूम इस टाइम पड़ रहा है 13,96,000, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, ठीक है। तो जो 13,96,900 के बाद SX एग्जीक्यूटिव आपको पड़ता है 13,18,100 का। अभी ऑन रोड आते आते आपका ये पड़ता है SX 15,91 का, और ये 15,02,000, 15 लाख में अब आपको SX पेट्रोल मिल जाएगी। एक तरह से आप हिसाब लगा के चलो, 1,000-2,000 का तो किसी चीज़ आपको डिस्काउंट दे ही देंगे, इतना तो कोई शोरूम वाला नहीं, इतना तो दे ही देते हैं। बाकी ये तो हो गया पेट्रोल में प्राइस, अब करें हम इसकी डीजल में। तो SX डीजल आपका है 14,96,000 का, और SX एग्जीक्यूटिव डीजल है 14,18,000 का। अब यही आप इनको ऑन रोड ला के देखो तो 17,03,000 और 16,14,000। तो इससे बढ़िया चीज़ तो मुझे लगी नहीं, एकदम बेस्ट चीज़ है। इनके भी नंबर आप 6 चेक कर लेता हूँ यहाँ से, देखो SX एग्जीक्यूटिव है 1, 2, 3, 4 नंबर पर, और 5वें नंबर पे SX डीजल। तो 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पे SX एग्जीक्यूटिव 16,14,000 का, और 17,03,000 का SX डीजल। तो ठीक है, 25,000 का हेड यूनिट लगवाओ छुट्टी, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि कंपलसरी इसलिए है क्योंकि पीछे इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, चारों स्पीकर हैं इसके, सारे कंट्रोल्स के हैं। तो उसकी वायरिंग ये बता रहे हैं, जो ये स्टीरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स हैं इसके, ऑडियो कंट्रोल्स, ये सारे आपको इसकी जो वायरिंग है वो अलग है, ऐसा मेरे को शोरूम वालों ने बोला। अब है नहीं है वो तो बात की चीज़ है, बाकी अभी जो पता चला वो यही है कि अंदर वायरिंग अलग होगी, इसलिए आपको जो भी होगा 23,000 से लेकर 25,000 तक उसकी वैल्यू होगी। अब जिसके ऊपर है वो लगवा ले, लगवाना तो वैसे ज़रूरी है, लगवाओ जान छुड़ाओ, SX का मज़ा मिलेगा। सिल्वर डोर हैंडल मिल रहे हैं बस, ये भी और ये कैसे, अच्छा ऐसे ही होते हैं, मेरे को लगा टेढ़ा लगा हुआ है। जो भी है बढ़िया चीज़ है। बाकी आपको SX एग्जीक्यूटिव कैसी लगी आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी इसको गाड़ी को ऑफ करो, चलो ये हो गया। तीनों जो आपके रूफ हैंडल्स हैं आपको फोल्डेबल अभी मिल रहे हैं, LED वाले लैंप्स अभी भी इनमें आपको मिलेंगे। बाकी पीछे जाके बात करते हैं और कुछ जो कंपनी ने हटाया हो देखते हैं। बैठेंगे नहीं, गाड़ी साफ है। बाकी हेडरेस्ट आपको अभी भी मिल रहा है, जो कुशन्स थे इसके वो अभी भी मिलेंगे आपको रेयर वाले हेडरेस्ट पे, SX में पहले भी आते थे। पार्सल ट्रे अभी भी है, बूट में लैंप तो हो गई होगा, इतने फीचर्स हैं, चारों हेडरेस्ट हो गए, मैगजीन होल्डर दोनों सीट्स के पीछे हैं, रेयर एसी वेंट्स भी हैं, USB चार्जिंग पोर्ट भी है, सामान रखने की जगह भी है, सेम है। और कर्टन्स आपको अभी भी मिल रहे हैं, चलो कुछ तो कंपनी ने सही कर रही है। बाकी चलो अब ज़्यादा आपसे सस्पेंस खींचते नहीं, जो जो चीज़ें कंपनी ने कंटिन्यू करनी है और जो हटाई हैं उस सब आपको बताते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, अब पहले गाड़ी को बंद करें, बाहर आवाज आएगी। तो मैं पूरी लिस्ट पहले अभी बना के लाया हूँ। तो फीचर्स रिमूव की बात करें तो 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट प्लस ब्लू लिंक, इंफोटेनमेंट सिस्टम हट गया यहाँ से, तो ब्लू लिंक भी नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट डे नाइट प्लस MTS मिरर, डे नाइट मिरर, तो ये है, ये बिल्कुल मैनुअल हो गया है। पहले आपको इस पे SOS, रोड साइड असिस्टेंस और कौन सा था, ब्लू लिंक का बटन मिलता था, वो हट गया इससे। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी हट गया क्योंकि न्यू सिस्टम नहीं है, तो आपको ये भी नहीं मिलेगा। क्रोम डोर हैंडल्स हट गए, बॉडी कलर आ गया वो मैंने आपको दिखा दिए। बर्गलर अलार्म भी नहीं मिलेगा क्योंकि अब चाबी पे बर्गलर अलार्म तो खैर पहले भी हट गया था, क्योंकि एक मिनट कॉल कौन कर रहा है, क्योंकि बर्गलर अलार्म तो पहले भी हट गया था। इंजन आपका स्टार्ट करने का बटन आ गया था, अभी भी मिल रहा है, देख लो कंपनी कहीं तो ई में धोखे दे रही है, बुरा कर रही है लोगों के साथ, तो ठीक है क्या कर सकते हैं। SX में तो नहीं कर रही इतना, पर बर्गलर अलार्म नहीं है। आर्किमिडीज साउंड सिस्टम, साउंड मोड वो म्यूजिक सिस्टम के साथ था, वो हट गया। नेक्स्ट ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, यहाँ बटन था ना जो व्यू का, वो हट गया यहाँ से, अब नहीं है। नेक्स्ट व्यू वॉइस रिकॉग्नाइजेशन बटन, वो भी हट गया, ये देखो यहाँ पे आता था, यही होता था, हाँ वो भी हट गया। अब फीचर्स एडिड, एक ही चीज़ ऐड करिए, डब्बा ब्लैंकिंग कवर, नो ऑडियो स्पैक, ये रहा ब्लैंकिंग कवर, इसका मुक्का मार के तोड़ दूँ ऐसा गुस्सा आ रहा है। फिर प्राइस डिफरेंस की बात करूँ तो SX एग्जीक्यूटिव वेरियंट विल बी चीपर देन SX वेरियंट बाय ₹78,800, बस वही ले लो 80,000 के, आप लेके चलो 80-90 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे, ज़्यादा तो 1,00,000 भी बच सकते हैं क्योंकि रेशो
गाड़ी की वैल्यू कम हो गई तो रजिस्ट्रेशन में आपके पैसे थोड़े और कम लगेंगे, टीसीएस भी थोड़ा कम लगेगा, लेके चलो 1 लाख तो मोटा मोटा 1 लाख से कम ही आपके पैसे बच जाएंगे इतने। बाकी SX एग्जीक्यूटिव वेरिएंट 95,000 कॉस्टलियर होगा इसके S वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में, क्योंकि ये आ रही है SX आएगा खाली आपका मैनुअल पेट्रोल, मैनुअल ट्रांसमिशन और पेट्रोल इंजन के साथ, मैनुअल ट्रांसमिशन और डीजल इंजन का, बस यही दो मिलेंगे और नहीं मिलेगा। ये तो हो गई बात इनके फीचर्स रिमूव्ड और प्राइस की, और जो फीचर ऐड हुआ एक वो, अब यहाँ पे बात करें जो कंटिन्यू अभी भी होगा। इट विल कंटिन्यू टू बी ऑफर्ड विद फॉलोइंग फैक्ट्री फिटेड फीचर्स, एसेसरीज, ऑडियो फिटमेंट कैन बी डन एट डीलरशिप। जो ब्लूटूथ माइक है वो कंपनी अभी भी दे रही है इसमें, और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स अभी भी हैं ये रहे, बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह तो MID के हो गए, बाकी स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स यहाँ पे आपके अभी भी आ रहे हैं। नेक्स्ट शार्फ इन एंटीना मैंने ऊपर आपको दिखा दिया अभी भी है, रियर व्यू कैमरा मैंने आपको दिखाया वो भी है, USB वो डेरा ये अभी भी है, और स्टीयरिंग व्हील अभी भी आपको लेदर स्टेज मिलता है और डी कट भी मिलता है, मजे आ गए कंपनी ने मजे दिला दिए। और अब इसको करते हैं हम बंद, ये तो पर्चा मैं कम से कम 1 जून से पीछे पड़ा हूँ सर जी, गाड़ी आने वाली है। अब आइए आज जाके, आज डेट है 18 को एल्केजर, 17 तारीख है, कल एल्केजर का लॉन्च है। अगर आपको लाइव देखना है मेरे चैनल पे कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर लाइव देखना है तो, कि जितने लाइक्स आएंगे, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे मेरी वीडियो पर, जितने लोग बोलेंगे कि हमें लाइव देखना है, शोरूम में आपको दिखाता हूँ, ट्रम्प हुंडई है यहीं पर लॉन्च होगा, ये अंदर आप यहाँ देखो i20 दिख रही है, बस वो हटेगी, वहाँ एल्केजर लगेगी कल। और बाकी मैं आपको इसको चाबी से स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ गाड़ी, और हम फूल इसके अंदर आपको ये भी दिखा दूँ, हैंड रेस्ट अभी भी है। चलो अब करते हैं हम इसको बंद, पसीना आ जाए और बाहर ठंडी हवा चल रही है, जो मज़ा आता है कसम से। तो अब मैं आपको ये स्टार्ट करके दिखाता हूँ इसकी स्मार्ट की से, तो पहले मैं करनी है गाड़ी लॉक, फिर ये रहा होल्ड का बटन, मेरे स्टार्ट हो गई, अब आप गाड़ी लॉक कर सकते हैं, गेट खोलो, ये इसकी लाइट्स ऑन, ये इंडिकेटर ऑन, फॉग लैंप्स हो गए ऑन, सर देखता हूँ। अब ये देख लो, सब वही है सेम, कुछ डिफरेंस नहीं आया, बस जो म्यूजिक सिस्टम का था वो कराया कंपनी ने, बाकी सेम पीछे से लुक आ रही है वही। Now that's all for today. For more video informative, do subscribe to the channel for upcoming latest videos on cars. Thanks for watching my video.